गोल्डन मिल्क, सर्दियों का तोहफा। सर्दियों में बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाने से बचने के लिए गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क क्या है? जोड़ों के दर्द, निचली कमर के हिस्से का दर्द, घुटने का दर्द, बेख्वाबी, याददाश्त की कमी, रात को सोते वक्त बेचैनी, नींद की कमी, पट्ठों में दर्द और खिंचाव। मैं हूं आपका होस्ट शिविर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज एक अहम वीडियो, एक अहम चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूं, तो इसको तवज्जो से थोड़ा सा गौर से देखना। ये तमाम चीज़ें किचन पे मुश्तमिल हैं, किचन की चीज़ें हैं जो किचन में दस्तियाब हैं आपके पास। सिर्फ मैं उनकी तरतीब बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह एक इकट्ठा इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं और उनको नींद नहीं आती, उनकी टांगों में बेचैनी रहती है, हल्का हल्का दर्द रहता है, जोड़ों का मसला पैदा हो गया है, जोड़ दुखते हैं, कमर का दर्द का मसला है, वज़न बढ़ता जा रहा है, पेट बढ़ता जा रहा है, नींद नहीं आती, याददाश्त कम होती जा रही है, जिंसी कमज़ोरी का मसला आ रहा है, जिसमें कमज़ोरी महसूस होती है। इन तमाम लोगों के लिए एक लाजवाब किस्म की चीज़ जो आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये अजमूदा है। अगर हम पीछे नज़र दौड़ाएं तो कई सदियों से हमारी बूढ़ी दादी नानियाँ, दादी अम्मा, वालदैन, बुज़ुर्ग इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस टाइम साइंस ने बहुत ज़्यादा बड़ी तरक्की नहीं की थी, उस वक्त भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी और लोग इनको दवा के तौर पर, ताकत के तौर पर, इलाज के तौर पर घरों में इस्तेमाल करते थे। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ दूध की। दूध लें आप, दो गिलास, डेढ़ गिलास। दो गिलास लेंगे तो उसको बॉयल करें, जब वो डेढ़ गिलास बच जाए तो फिर उसमें आपने डालना है हल्दी, जो आजकल पर सब्ज़ी की दुकान पर मार्केट में आई हुई है ताज़ा हल्दी, वो लें, उसको छील लें। उसका डेढ़ गिलास दूध में आपने हल्दी का इतना टुकड़ा लेना है कि उसको कूटने के बाद, पीसने के बाद एक चम्मच बन जाए, वो चम्मच डालना है। अगर वो आपके पास ताज़ा हल्दी नहीं है तो फिर आप पंसारी से खुश्क हल्दी लेंगे, उसको भून कर, उसको हवाम दस्ते में रगड़ कर उससे एक चम्मच लेंगे, ये उसमें डालेंगे। और इसी तरह आपने बॉयल किए हुए दूध में एक चम्मच हल्दी का डाला, जो दूध दो गिलास था उसमें, और आधा चम्मच सौंफ पिसी हुई डाली, और आधा चम्मच सौंफ डालनी है पिसी हुई, और क्वार्टर चम्मच यानी दो चुटकियाँ दालचीनी का पाउडर डालेंगे। और इसी तरह आपने उसमें बादाम पिसे हुए का चूरा जो है, बादाम का पाउडर जो है, बादाम का गुलियों का पाउडर जो है, वो एक चम्मच डालेंगे। इसको आप टेस्ट के लिए, अगर आपको शुगर का इशू नहीं है तो आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं, मिश्री शामिल कर सकते हैं। अगर आपका शुगर का इशू है तो आप इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए बेहतरीन टॉनिक है। सोने से आधा घंटा पहले लेंगे, नींद खूब आएगी, आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी, तो ये आपके लिए बेहतरीन लाजवाब किस्म का इलाज है, जिससे शुगर कंट्रोल होगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है, और बूढ़ों की जवानी के लिए बेहतरीन है, और जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है, पट्ठों के खिंचाव और कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। रोज़ाना रात को सोने से आधा घंटा, घंटा पहले इसको पी ले एक गिलास, इंशाअल्लाह ताला पूरी सर्दियाँ आपकी एनर्जेटिक गुजरेंगी, पुरसकून गुजरेंगी, पुरानी खांसी नज़ला ज़ुकाम से महफूज रहेंगे, जोड़ों के दर्द से महफूज रहेंगे, पट्ठों के दर्द और खिंचाव से महफूज रहेंगे। थैंक्स।